कमरे में कलर करना हो तो आसानी से कोई भी हम कलर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक दीवार अगर कलर करना हो तो वो सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कौन सा कलर करे नहीं करे, कौन सा कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कलाकार राजीव रंजन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कलाकार छक्कास। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप फेसबुक पेज कलाकार झकास पर आ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए कलाकार झकास 94। दोस्तों, जैसा तर आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्लू और रेड में कॉम्बिनेशन किया है। तो ये रहा एक दीवार जो कि हमने साइड में कर लिए, तीन दीवार और एक दीवार बचा हुआ कलर करने के लिए। तो ब्लू कलर का वीडियो हम बना चुके हैं, इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना, वो वाइट वाली दीवार पे हम कॉम्बिनेशन में मिलन रेड करेंगे। तो ये रहा ब्लू कलर, जिसका कलर कोड है 7326 और साथ साथ आप देख सकते हैं यही कलर है। और उसके बाद हम ये कॉम्बिनेशन में करने वाले हैं जो कि अभी आप देख सकते हैं। तो ये रहा मिलन रेड। तो इसका हम डब्बा ये भी दिखाते हैं, अपेक्स में डस्ट प्रूफ है, जिसका कलर कोड आप देख सकते हैं 8101 है। तो मिलन रेड नाम है इसका और कलर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपेक्स में डस्ट प्रूफ हम यूज किए हैं, बहुत ही अच्छा ब्लू कलर में आप जो है ये मिलन रेड काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन में होता है, बहुत ही बढ़िया कलर है। इस पर आप टेक्चर स्टेंसिल जो भी आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये पेंट बाहर के लिए है लेकिन हम मजबूती के लिए अंदर यूज कर रहे हैं, मालिक का कहना है हम यही लगाएंगे तो लगाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, लगाइए, हम भी लगाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जैसा तर आप देख सकते हैं, हमने 4 लीटर बनवा के लाया है, तो 4 लीटर लाए हैं, बहुत ही बढ़िया। आप चाहे तो स्कर्टिंग में भी ये कलर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा तर आप देख सकते हैं, हमने 4 लीटर एक बाल्टी में ले लिए हैं, रोलर से हमको यूज करना है, लेकिन हम करेंगे तो ये सिर्फ एक कोड में ही करेंगे। तो हमने पहले एक बाल्टी में लेके अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, जो भी कलर कंप्यूटर से बना हुआ है, जो भी इधर उधर कलर रहेगा वो इस तरह से जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया इस तरह से हम यूज करेंगे, लेकिन 4 लीटर में बस हम आधा लीटर ही पानी यूज करेंगे, क्योंकि आधा लीटर इसलिए हम यूज कर रहे हैं, कम से कम सिंगल ही इसमें जो है हम सिंगल कोड ही यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल में ही अच्छा सबसे बढ़िया मिला के अगर करेंगे तो एक कोड में ही आ जाएगा। अगर वो इसे डबल करेंगे तो इसमें 1 लीटर तक पानी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आधा लीटर ही यूज किए हैं। तो चलिए, मेरा कलर बन चुका है, अब चेक कर लेते हैं एक बार ब्रश से। तो ये देख सकते हैं जो है बढ़िया से मिला, मिक्स भी हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। चलिए, हम साइड से कटिंग करके उसके बाद जो है हम रोलर से यूज करेंगे। तो 4 लीटर डब्बा में ले लेते हैं थोड़ा सा कटिंग करने के लिए ब्रश से, तो इसी तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप साइड साइड में कटिंग कर लीजिए। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इस POP के पेंटिंग के बारे में और बगल में ब्लू कलर जो हम किए हैं इसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा रोलर, और रोलर में एक डंडा हम लगा लिए। डंडा इसलिए लगा लिए कि अगर ऊपर से नीचे तक हम एक ही बार में करेंगे सिंगल कोड मिला के, तो सिंगल कोड में ही फाइनल आ जाएगा। अगर आप इस तरह यूज करते हैं कोई भी पेंट, अंदर हो या बाहर, अगर एक कोड में भी अगर लाना चाहते हैं तो हो सकता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप एक बार में ही कर लेते हैं तो इसमें नहीं कोई जोड़ का निशान और नहीं दाग धब्बे कोई चीज़ का इसमें निशान रहेगा, इसी तरह यूज किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो इसी तरह का वीडियो मैं बार बार लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पिक घंटी पे दबा के ऑल पिक क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा ब्लॉग वीडियो अगर देखना चाहते हैं अच्छा, सबसे अच्छा मैं बना रहा हूँ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कलाकार राजीव रंजन ब्लॉग, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं और प्यार सपोर्ट कर सकते हैं मुझे।
तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप इस तरह से कलर करते हैं और ऐसा कलर पसंद करते हैं, तो इस पे जो है आप चाहते हैं जो कोई डिजाइन निकाले स्टेंसिल या टेक्चर कोई रेसा, तो आप इस पर आसानी से निकाल सकते हैं। ये कलर बहुत ही बढ़िया देखने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो डिस्टम्पर में स्टीनर से कलर बना के कैसे यूज किया जाता है और कितना कितना पानी मिलाया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया कम खर्च में बहुत अच्छा तरह से डिस्टम्पर से पेंट हो जाता है, वो भी मैं लेकर आऊँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंगल कोड में ही मेरा फिनिशिंग आ जाता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं आप, हल्का मोटा ही हम पेंट मिलाए हैं सिंगल कोड लगाने के लिए। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हम सिंगल कोड में ही अच्छा तरह से मिला लिए। देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया। तो इसमें बच गया है थोड़ा सा खिड़की सब करने के लिए लकड़ का, तो उस पर हम बाद में यूज करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो जहाँ जहाँ कटिंग करने के लिए था हम कटिंग कर लिए, बस इसी तरह किया जाता है। तो देख सकते हैं जो ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर में ये मिलन रेड कितना अच्छा खिल रहा है। पीओपी का भी डिजाइन हम कलर किए हैं, तो इसमें भी मेटेलिक पेंट यूज किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन में कितना बढ़िया जच रहा है। तो दोस्तों इसी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं बाहरी के लिए हम बाहर दीवारों के लिए पिलर पे डिज़ाइन बनाए, रेसा बनाए, इस सब का वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी इस चैनल पे, कलाकार झकास चैनल पे और फेसबुक पेज कलाकार झकास पे, आप दोनों पर भी देख सकते हैं ऐसा वीडियो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।